दोस्तों नमस्कार, यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रह जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करेंगे। कोरोना के दौरान जो मेडिकल का कचरा हुआ वहाँ सिरदर्द बन चुका है के बारे में। कोरोना से पैदा हुआ मेडिकल कचरा बन गया सिरदर्द। दोस्तों, जब से कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व के साथ भारत में हुआ, तब से कोरोना के बचाव, जांच, इलाज आदि के लिए जो चीज़ें उपयोग में लाई जा रही है, उससे अस्पतालों में जो कचरा हो रहा है वह सिरदर्द बनता जा रहा है। दोस्तों, आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, WHO ने चिंता जताते हुए सभी देशों से इसका प्रबंधन या मैनेज करने की अपील की है। दोस्तों, कोरोना के जांच व इलाज से पैदा हुआ अस्पताली कचरा दुनिया के लिए नया सिरदर्द बन गया है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस मसले पर चिंता जाहिर करते हुए दुनिया के सभी देशों से मेडिकल कचरे के प्रबंधन यानी मैनेज करने के लिए प्रणाली विकसित करने की अपील की है। दोस्तों, WHO ने चेतावनी दी है कि महामारी में बना अस्पताली कचरा नई मुसीबत बन सकता है। दोस्तों, WHO की वैश्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 से नवंबर 2021 के बीच दुनिया भर में 87,000 टन PPE किट की आपूर्ति हुई। दोस्तों, इसमें से अधिकतर PPE किट इस्तेमाल हो चुकी है और अब कचरे के रूप में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार 14 करोड़ जांच किट से 2,600 टन गैर संक्रामक अस्पताली कचरा बनता है। दोस्तों, इतनी ही किट से 7.31 लाख लीटर केमिकल कचरा तैयार होता है, जो ओलंपिक के स्विमिंग पूल के एक तिहाई आकार के बराबर है। दोस्तों, इसी तरह WHO ने चेतावनी दी है कि बताया है कि दुनिया में टीके की 800 करोड़ खुराक लग चुकी है। इससे करीब 1.44 लाख टन मेडिकल कचरा सिरिंज, सुई, निडिल और सेफ्टी बॉक्स के रूप में निकलता है। दोस्तों WHO का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कम विकसित देशों के 3 में से 1 स्वास्थ्य केंद्र पर अस्पताली कचरे का प्रबंधन बेहतर ढंग से नहीं होता है। दोस्तों, WHO ने भविष्य के लिए ये सुझाव दिए, मेडिकल कचरे का निस्तारण आधुनिक तकनीक से यानी मशीनीकरण के कारण करने की तैयारी करिए। नंबर 2, दोबारा प्रयोग होने वाले PPE किट, दस्ताने और मास्क का उपयोग हो। नंबर 3, सेंट्रलाइजर ऑटोक्लेव सिस्टम विकसित हो जिससे चीज़ें विसंक्रमित हो और दोबारा यूज हो। देश में 33% मेडिकल कचरा महामारी से जुड़ा। दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल मई में जब दूसरी लहर अपने चरम पर थी, तब मेडिकल से निकलने वाले कचरे का 33% हिस्सा कोरोना संक्रमण व इसके उपचार से जुड़ा था। दोस्तों, इस दौरान देश में कोरोना से जुड़ा 45,954 टन मेडिकल कचरा निकला। दोस्तों, मई में अकेले 203 टन कचरा पैदा हुआ था। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार मई 2021 में एक मरीज से औसतन 0.49 किलोग्राम मेडिकल कचरा निकला था, जबकि सितंबर 2020 में ये 2.09 किलोग्राम था। स्वास्थ्य केंद्रों पर इंतजाम नहीं। दोस्तों, WHO के अनुसार आज के समय में 30% स्वास्थ्य केंद्रों और कम विकसित देशों में 60% स्वास्थ्य केंद्रों में अस्पताली कचरे के निवारण की ठोस व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, इससे अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ समेत अन्य कर्मचारियों को खतरा बढ़ सकता है और बढ़ता है। दोस्तों, सुई से चोट लगने और अस्पतालों में पैदा होने वाले कचरे से वायरस और जीवाणु से भी स्वास्थ्य कर्मियों के बीच संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ सकती है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।